देखिए आज का एनकाउंटर बहुत एक कामयाब ऑपरेशन रहा है, जिसमें दो इस तरह के दहशतगर्द मारे गए जो लंबे अरसे से इलाका में एक्टिव थे और बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल थे। यासिर परे जो 2019 में दहशतगर्द बना था, फौज के खिलाफ एक आईडी लगाई गई थी जिसमें फौज के दो जवान शहीद हुए थे और कुछ लोग जख्मी हुए थे। उसके बाद भी ये जैश मोहम्मद का आईडी का एक्सपर्ट माना जाता था। इसके अलावा जो इसके साथ पाकिस्तानी दहशतगर्द मारा गया, जैश का कमांडर था वो, काफ़ी अरसा पहले बांडीपुर गुरेज के रास्ते से क्रॉस करके पाकिस्तान से आया था, जहाँ पर फुरकान अलियास अली भाई के नाम से जाना जाता था। उसकी भी बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शमूलियत थी। ये दोनों दहशतगर्द पाकिस्तानी और जहाँ का लोकल जासिर परे काफ़ी लंबे अरसे से एक साथ मिलके काम कर रहे थे और एक दर्जन से ज़्यादा FIR इनके ऊपर लगे हुए थे, जो अलग अलग जगहों पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से वाबस्ता थे। मैं समझता हूँ कि जो सिविलियन लोग जो इनकी कार्रवाइयों का शिकार हुए, जो लोग इनका टारगेट बने, वो आज राहत की सांस लेंगे कि ये दो दहशतगर्द जो लोगों के लिए जलाद की तरह थे, लोगों के लिए मौत का पैगाम लेके आते थे, लोगों को जानो माल का नुकसान पहुंचाते थे, इससे लोगों को नजात मिलेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन को बड़े अच्छे तरीके से पुलिस ने और फोर्सेस ने अंजाम दिया, किसी भी तरह का कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है। मैं इसके साथ ये भी कह दूं कि अवाम ने, पब्लिक ने जिस तरीके से बहुत अच्छे से बिहेव किया, अवाम को भी इस बात की शाबाशें है। नहीं तो इस वक्त कुल मिला करके पाकिस्तान के हैंडलर्स और पाकिस्तान की एजेंसीज के इशारे पर एक दाम जो कल तक एक सिर्फ मान लीजिए कि एक मीडिया, सोशल मीडिया एंटिटी था जिसको हम TRF कहते थे, आज TRF को एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे पेश करने की कोशिश की जा रही है। इस दहशतगर्द तंजीम के अंदर जैश भी, लश्कर भी और लश्कर के जितने भी छोटे मोटे डेरिवेटिव्स हैं, एफिलिएट्स हैं, वो सारे इसके अंदर काम करते हैं। कार्रवाई कोई भी मिलिटेंट आउटफिट करे, मगर उसका नाम TRF के खाते में दिया जाता है, क्योंकि TRF को पाकिस्तान की एजेंसी जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही हैं, जैसे कि जहाँ के लोग इस तरह के टेररिस्ट आउटफिट को चलाने में लगे हुए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि जहाँ के लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम से कम है, जैसे मैंने कहा, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट एजेंसीज की है, पाकिस्तान नवाज फोर्सेज की है, जो इस तरह के एलिमेंट, जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे, जो उनको अभी पूरी समझ नहीं है, उनको वर्गला करके इस तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो TRF के खिलाफ पिछले एक महीने के दौरान कार्रवाई हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब ऑपरेशन श्रीनगर में और श्रीनगर के आसपास हुए हैं। जो एजेंसीज या आउटफिट्स TRF को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जे उनकी साजिश को नाकाम करने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिली।